प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम इस अध्याय 19वें के अंतर्गत चर्चा करेंगे संयमित जीवन शैली के बारे में और किस प्रकार से हम एक अच्छी संयमित जीवन शैली को जीते हुए प्राकृतिक शक्तियों से या प्राकृतिक शक्तियों के साथ हम अपने आप को अनुरूप बना सकते हैं, उनके अनुकूल हम अपने आप को ढाल सकते हैं। देखा जाए तो यह अध्याय आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय के साथ जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, जिस प्रकार की आज हमारी जीवन शैली बन चुकी है, उस जीवन शैली को देखते हुए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में क्या है हमारी जीवन शैली। हम किसे कह सकते हैं कि हम एक संयमित जीवन शैली जी रहे हैं? यदि हम संयमित जीवन शैली जी रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पहलू है उस जीवन शैली के, और यदि वास्तव में ही हम वह जीवन जी रहे हैं तो क्या हम एक अच्छे स्वास्थ्य को लिए हुए तन से, मन से, अपने भावों से, जिसके अंतर्गत हम हमेशा अपने आप को प्रसन्नचित रह सकें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या नहीं हो, क्या वास्तव में हम जो जीवन शैली जी रहे हैं उसके अंतर्गत इन चीजों से हम दूर है? साथ ही हम प्रकृति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार हम इस नेचर के साथ में रहते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमें किसी बाह्य वातावरण जिसके अंतर्गत हम कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है, हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, हम उनसे कितने बच सकते हैं? हालांकि मनुष्य है और जिस प्रकार आज की जीवन शैली और जिस प्रकार का आज का लोगों का खान पान बना हुआ है, उस खान पान को देखते हुए यह कहना बहुत मुश्किल है या हम अपने खुद के बारे में यह नहीं कह सकते कि मुझे कभी किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कभी हॉस्पिटल जाऊंगा ही नहीं, मैं कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। हो सकता है कि हमने इतनी बातों के ऊपर जो चर्चा की है, इस चर्चा के चलते हुए हम पूर्ण रूप से इस प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं और इस प्रकृति के साथ में हम चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो इस जीवन शैली के तीन महत्वपूर्ण बिंदु है, उन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से हम चलने का प्रयास करते हैं, उन तीनों प्रकार के जीवन शैली के जो आधारभूत जो सूत्र है उनमें जो सबसे पहला आता है वो है हमारा आहार, कि हमारा आहार कैसा है। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं क्या वास्तव में वह संतुलित भोजन है जिसको हम ले रहे हैं? अब जिसको हम संतुलित भोजन मान रहे हैं, क्या वास्तव के अंदर वह जो भोजन है वह पूर्ण पोषण से युक्त है, बिना किसी दवाई, खाद या रासायनिक पदार्थ उसके अंदर नहीं मिले हुए हैं? आहार के ऊपर हम और चर्चा करेंगे। दूसरा जो मुख्य बिंदु आता है, जो पहलू आता है, वो है विहार। विहार का यहां पर अर्थ यही, हम पुनः उसी के ऊपर लौट करके आते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जिस पर्यावरण के साथ में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण के संपर्क में हम रह रहे हैं, उसमें हमारा रहना किस प्रकार से है और उस पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का हमारा व्यवहार है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर यदि हम देखें तो हमें कोई एक ही तरह का पर्यावरण नहीं दिखाई देगा,
यदि केवल हम हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर भारत में रहने वाले, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, जहां पर भारी ठंड भी पड़ती है, वहीं राजस्थान में रहने वाले, जहां भारी गर्मी पड़ती है, इसी प्रकार कोई साउथ में रहने वाला है तो कोई पूर्वी भाग में रहने वाला है, तो कोई बहुत घने जंगलों में रहने वाला है, और जहां पर जिस प्रकार का व्यक्ति को या वहां के जीवों को जो वातावरण मिलता है, उस वातावरण के अनुरूप हम अपने आप को कितना ढाल पाते हैं। यदि उस पर्यावरण में हम अपने आप को उस तरीके से नहीं ढाल पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी, न केवल समस्याएं खड़ी होगी, हम जीने के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि जिस पर्यावरण के साथ में हम रह रहे हैं उसके साथ में हमारा किस प्रकार का व्यवहार है। जो तीसरा बिंदु आता है वो एक स्वयं हमारे जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, और एक जो मनुष्य होता है वह मनुष्य किस प्रकार का है, अच्छा या बुरा है, कैसी उसकी सोच है, वह हमें पता चलता है उस व्यक्ति के व्यवहार से। तो तीसरा बिंदु हो गया यहां पर हमारा व्यवहार, यानी कि हम व्यवहार केवल दूसरों के साथ में ही नहीं, यहां पर जो व्यवहार की बात आ रही है वह व्यवहार स्वयं के साथ और दूसरों के साथ में भी। हम स्वयं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कभी सोचा है? हम हमारे स्वास्थ्य के साथ में, हमारे शरीर के साथ में हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? इसके साथ ही हमारा परिवार भी है, हमारा समाज भी है, दूसरे लोग भी है, जहां पर हम काम करते हैं वो भी हमारा एक क्षेत्र है, वहां पर भी लोगों के साथ में हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो व्यवहार बहुत कुछ बताता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या इसकी सोच है, और वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार के पीछे एक व्यक्ति की सोच बहुत निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, आशावादी होते हैं, जो सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, आशावादी होते हैं, उनका व्यवहार भी वास्तव में उसी प्रकार का दूसरों के प्रति सकारात्मक ही होता है। नकारात्मक यदि सोच है, नकारात्मकता यदि हमारे अंदर भरी हुई है, तो न तो हम स्वयं के प्रति कभी न्याय कर पाते हैं और न कभी हम दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप के व्यवहार को सुधारें। अब बात व्यवहार की भी आती है, बात हमारे आसपास के पर्यावरण की भी आती है। तो हम जहां से हमने शुरुआत की थी कि किस प्रकार का हमारा आहार होना चाहिए, हम कहते हैं ना कि हमारा आहार विहार अच्छा होना चाहिए, तो प्रिय विद्यार्थियों आप खुद सोचिए कि किस प्रकार का हमारा आहार होना चाहिए जिसको कि हम कह सकें कि यह हमारा एक संतुलित आहार है। साथ में आहार के साथ में संयम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आहार के साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, और उन पहलुओं में पर्यावरण भी शामिल है और उन पहलुओं के अंदर आपका व्यवहार भी शामिल है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात जिस प्रकार का हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वह भी हमारे उस व्यवहार को प्रभावित करता है। और जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो कहां से प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसी पर्यावरण से हम प्राप्त कर रहे हैं। यदि उस पर्यावरण से हम उस भोजन को प्राप्त कर रहे हैं तो हम किस प्रकार का भोजन प्राप्त कर रहे हैं,
यदि प्राप्त कर रहे हैं तो किस प्रकार का और कैसा क्या है उसके अंदर जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। यदि इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारी उसी प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है। एक तो हमारी स्वयं की प्रकृति, एक जो हमारा बाह्य वातावरण है जिसके अंदर हम रहते हैं, इन सब के साथ में हमारी क्या अनुरूपता है, हम इन सब के साथ में अपने आप को खुद के साथ में और दूसरों के साथ में किस प्रकार से हम ढाल पाते हैं। यदि खुद को इस प्रकृति के साथ में जितने अच्छे ढंग से हम ढाल पाएंगे उतने ही हम सुखी और स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए आहार संतुलित संयमित होना बहुत जरूरी है। ये जीवन शैली का पहला आधारभूत बिंदु है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति को जो होने वाली बीमारियां हैं उन बीमारियों के पीछे जो कारण है वो हमारा खान पान है। जहां खान पान हमारे शरीर को अस्वस्थ करता है वहीं यही खान पान हमारे मन को भी कमजोर बनाता है। मन के अंदर, विचारों के अंदर यह नकारात्मकता को पैदा करता है। इसलिए आहार का संतुलित होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर सात्विकता हो, यानी सात्विक भोजन हो, और सात्विक भोजन होने के साथ ही हमारे उस भोजन के अंदर वो सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं उसके अंतर्गत हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, फैट, रेशेदार पदार्थ, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। यदि हम गीता की बात करें, जहां गीता में व्यक्ति की तीन प्रकार की प्रकृति बताई है, वहीं या हम यूं कह सकते हैं तीन प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है, वहीं तीन प्रकार के भोजन का भी वर्णन किया गया है। और वो जो तीन प्रकार का भोजन है वो भोजन है सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये तीन प्रकृति भी है। इसका अर्थ हुआ कि हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे हमारी प्रकृति भी उसी प्रकार की बनती जाएगी। अब डिपेंड यहां पर यह करता है कि हम किस प्रकार के भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, सात्विक ले रहे हैं, राजसिक ले रहे हैं या हम तामसिक ले रहे हैं। सात्विक अर्थात प्रकृति के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है, फल फूल कंदमूल पानी जो हमें मिल रहा है उसी को उसी रूप में प्रयोग करना, यह हो सकता है उसको थोड़ा बहुत उबाल करके, जो उबालने वाली चीजें हैं हमें उसको उसी रूप में ग्रहण करना। क्योंकि यदि उसको हम उसी रूप में ग्रहण करेंगे जहां उनकी पोषकता बनी रहेगी वहीं वो हमारे अंदर की जो प्रकृति है उसको भी वह भोजन बिगाड़ेगा नहीं। हमारी वही सात्विक और सकारात्मक यानी सात्विक प्रकृति बनी रहेगी। राजसिक भोजन जैसा कहा जाता है, नाम है इसका राजाओं का भोजन। जो राजा लोग होते हैं वो स्वाद के लिए अनेक प्रकार के नए नए पकवानों को बना करके खाना, जिसके अंदर तले हुए भुने हुए इस प्रकार के अनेक जो भोजन होते हैं, यानी कि जो भोजन होता है उस भोजन की प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, और फिर उसको उस रूप में लिया जाता है जिसके अंदर मिर्च मसाले तेल अधिक मात्रा में डाला जाता है, वो राजसिक भोजन हो गया। तामसिक भोजन, तम यानी अंधेरा, ऐसा भोजन जो इंसान को अंधेरे की ओर ले जाता है, यानी जिसकी प्रवृत्तियों को इस प्रकार का जो भोजन बनाता है जिसके अंदर मांस मछली अंडा
ये जो भोजन होता है ये भोजन इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए एक अच्छी संयमित जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है कि हम सात्विक भोजन लें, संयम के साथ में लें, जितनी इस शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन करें। और संयमित भोजन का यहां पर एक अर्थ यह भी है कि जितनी भूख लगी है, कई बार हम भी कहते हैं कि जितनी भूख लगी है उससे एक रोटी कम खाई जाए, यानी कि जो हमारा पेट है उस पेट के अंदर वो आधा यदि भोजन से भरता है तो कम से कम थोड़ा बहुत भाग पानी के लिए भी बचाएं, और फिर भी एक भाग उसका खाली बचाया जाए। वो खाली वहां पर क्या है? वो खाली वहां पर आकाश है, आकाश तत्व है। और वास्तव में यदि पेट को पूरा भर दिया जाए तो भोजन अंदर से कैसे पचेगा? पच भी नहीं पाएगा। तो संयम के साथ में जितनी आवश्यकता है उतना भोजन ग्रहण किया जाए, ये नहीं कि आज तो मेरे पसंद का भोजन है, यह हम यूं कहें कि आज तो बड़ा टेस्टी भोजन बना है इसलिए उसको ठूस ठूस करके खा लिया जाए। ऐसा भोजन के साथ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे ही शरीर को नुकसान होगा। दूसरा जो हमारा बिंदु आता है कि शारीरिक परिवर्तन और नशा। नशा जिसमें तीसरे बिंदु में धूम्रपान और शराब से छुटकारा, इससे संबंधित भी बात करेंगे। शारीरिक परिवर्तन का यहां पर अर्थ है कि हम जब मां के पेट में होते हैं और जब हमारा जन्म होता है, शुरुआत होती है उस एक कोशिका से, उस एक सेल से, और धीरे धीरे हमारा विकास होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है और हम देखते हैं कि हम एक पूरे शरीर को धारण कर लेते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है वह बड़ी तेजी के साथ में ग्रोथ करता है और आने वाले 18 से 20 सालों में वह हमारे बराबर का हो जाता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम एडल्ट एज कहते हैं, यानी कि बचपन से निकल करके वो जवानी में आता है और जवानी के बाद में फिर बुढ़ापा आता है। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें वर्धन और वार्धक्य, यानी कि वृद्धि भी होती है और उस वृद्धि का क्षय भी होता है। जब एक बच्चा होता है और हम कहते हैं कि बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ करता है, इसका अर्थ है उसके शरीर के अंदर बड़ी तेजी के साथ में जो सेल्स होती है वो विकास कर रही होती है, बड़ी तेजी के साथ उसके शरीर में सेल की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या बुढ़ापे में भी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। उस समय सेल की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, धीरे धीरे शरीर के अंदर क्षय होना शुरू होता है। और निश्चित है जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु होगी। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स होती है उनके अंदर वह क्षमता, वह ताकत, वह ऊर्जा नहीं रहती है और वो काम करना बंद कर देती है। और जब वह काम करना बंद कर देती है, जिसमें चाहे हमारे शरीर की किसी भी सेल की बात करें, जिसमें ब्रेन को भी हम ले सकते हैं, और जब वह काम बंद कर देती है उसी को हम कहते हैं डेथ। इसका अर्थ हुआ कि बचपन से लगा के मृत्यु पर्यंत तक हमारे शरीर में कितने शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और वो शारीरिक परिवर्तन बाहर से भी हमें दिखाई देते हैं और आंतरिक रूप से जो अंदर निरंतर रासायनिक परिवर्तन चल रहे हैं, जिसके चलते हुए ये सभी प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। एक जो लड़का होता है, जैसे ही वो जवानी की ओर कदम रखता है उसके भी शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ आना, ये सारे परिवर्तन होते हैं। लड़कियों के अंदर परिवर्तन घटित होते हैं, उनका मासिक स्राव शुरू होता है, एक एज उनकी भी आती है 40 या उसके ऊपर, जब वही मासिक स्राव उनका बंद हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर समय के साथ ये परिवर्तन आते रहते हैं, ये नेचुरल है, ये आएंगे। यदि ये नहीं आते हैं तब निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर विकास नहीं हो रहा है, वो कमी है और उसका इलाज होना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये परिवर्तन होने
बहुत ही जरूरी है। साइंस तो यहां तक कहती है कि यदि हमारे शरीर के कुछ एक जो वाइटल ऑर्गन्स है, न्यूरॉन्स है, हार्ट है, लीवर है, इनको यदि छोड़ दिया जाए तो आपका पूरा का पूरा शरीर 5 साल में नया बन जाता है। अर्थात प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है और नई कोशिकाएं जन्म लेती रहती है। तो ये सारा का सारा एक परिवर्तन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी परिवर्तन जो एक नेचुरल है उसके अंदर बाधा पैदा करते हैं, और उस बाधा में एक जो सबसे बड़ा कारण है वह है नशा। अनेक प्रकार का होता है जिसके अंदर धूम्रपान है, शराब है, ये वो नेचुरल चीजें नहीं है जो शरीर के लिए जरूरी है। शरीर के लिए धूम्रपान, धुएं को अंदर डालना और बाहर निकालना, ये शरीर के लिए कतई आवश्यक नहीं है, इसके लिए शरीर बनाई नहीं है। हम शरीर के अंदर अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, क्या इसके लिए शरीर बना है? नहीं बना है। और इसके कारण से कई बार क्या होता है, हमारे शरीर का जो विकास है, हमारा जो मानसिक विकास है, उसके अंदर अवरोध पैदा होता है। शरीर के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां भी पैदा हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके इसी सातवें पेपर के अंतर्गत आपके पीछे के जो अध्याय है उनके अंदर नशे के बारे में आया, और आपने निश्चित रूप से डिटेल से उसमें आपने पढ़ा होगा। नहीं तो जो आठवां पेपर है उसके अंदर भी किस प्रकार के नशे होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसलिए यहां पर इसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्राकृतिक शक्तियों से अनुरूपता, प्राकृतिक शक्तियां क्या है? प्राकृतिक शक्तियां, हम हमारे चारों ओर इस प्रकृति को देखते हैं, और इस प्रकृति को जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। वो सब कुछ दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, जो कुछ भी है वो सारा का सारा हम इसी प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी इस पावर को समझें। इससे भी आगे यदि चलें तो हमारे इस शरीर के अंदर हमें एक बहुत बड़ी शक्ति दी है जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा, जीवात्मा। और यही वह जीवात्मा है जो हमारे अंदर निवास करता है और जिसके चलते ही हम सब कुछ महसूस करते हैं, जिसके चलते ही हमें सभी प्रकार का ज्ञान होता है, और उसी के चलते हम अपने स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसका एहसास होता है। हमें उसी स्वयं का विस्तार करना है, उसकी शक्तियों को बढ़ाना है, और उसको समझने के लिए जो चीज एक व्यक्ति को प्रभावित करती है वो है आवेग, आवेश, यानी जिसको हम कहें जो संवेग होते हैं। आवेग आवेश वह स्थिति है जो व्यक्ति के शरीर को, मन को, भावों को प्रभावित करते हैं। इनके आने पर ये सारी चीजें असंतुलित हो जाती है। तो किस प्रकार से हम इनके ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं? आवेग वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अदमनीय आवेग और एक होते हैं दमनीय आवेग। अदमनीय आवेग यानी कि जिनको कभी भी दबाना नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए पैदा होते हैं। जैसे कि मूत्र त्याग है, मल त्याग है, वीर्य स्खलन है, वमन, छींक, डकार, भूख, प्यास, नींद, श्रम, ये अनेक इस प्रकार के ऐसे आवेग है जिनको कभी रोकना नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण ले, बहुत सारे लोग होते हैं सफर कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, उनके बड़ी तेज आवेग के साथ में मान लीजिए मूत्र विसर्जन की इच्छा हो रही है, लेकिन वो आलस की वजह से उठते नहीं है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो केवल उसकी वजह से
हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, शरीर के अंदर अनियमितता आती है, इसलिए कभी भी इनको दबाना नहीं चाहिए। दूसरी ओर बिल्कुल इसके विपरीत कुछ ऐसे आवेग होते हैं जिनको दबाने में ही फायदा होता है, उनको दबाना चाहिए। और वो इस प्रकार के कौन कौन से आवेग हैं हम सभी जानते हैं, ये अधिकतर सारे के सारे आवेग निर्भर करते हैं हमारी सोच के ऊपर। दूसरों के बारे में बुरा सोचना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, चिंता करना, दूसरे का के पास में अधिक धन जमीन जायदाद देख करके उसको हड़पना, इस प्रकार के जितने भी जो हमारे अंदर ये आवेग पैदा होते हैं इनसे हमें यथासंभव दूर रहना चाहिए। जितना हम इनसे दूर रहेंगे हमारी प्रकृति, हमारी सोच उतनी ही सकारात्मक बनती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आवेग आवेश है इनको हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुत कुछ जाना है और हम छोटी छोटी इन बातों को ध्यान में रख करके हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।